हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसिटिक एसिड के बारे में। जनरली एसिटिक एसिड का यूज़ सूजन में बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है, यानी अगर आपके शरीर में पूरा सूजन हो गया है, पूरा शरीर अगर फूल रहा है, और उसमें एक कंडीशंस बनती है कि अगर आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन प्यास पानी का पेशाब कम हो रहा है, यानी कि यूरिनेशन में आप महसूस करते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं लेकिन पेशाब बहुत कम होता है, और उसके डिफ़िकल्टीज़ में ये आती है कि आपका शरीर पूरा सूजन कर रहा है, तो वैसे कंडीशंस के लिए एसिटिक एसिड बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। आप एसिटिक एसिड को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार लेंगे, दिन में 3-4 बार लें, आपको धीरे धीरे सूजन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एसिटिक एसिड के होल यूनिफॉर्म के बारे में कि आप किन किन रोगों में एसिटिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आप तक होम्योपैथ से रिलेटेड वीडियो पहुँचाते रहें। पहला कंडीशन आप ये समझिए कि आप एनीमिया में एसिटिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रक्त की कमी हो रही है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो भी आप एसिटिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं, इसका काम ब्लड पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। दूसरा, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो भी आप एसिटिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉपसी के अगर पेशेंट हैं, फीवर अगर आपका नहीं टूट रहा है तो भी आप एसिटिक एसिड की सहायता से फीवर को हटा सकते हैं। कॉर्न में इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। मस्सा अगर निकल रहा है शरीर में तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या कैंसर के कंडीशंस में अक्सर एसिटिक एसिड को यूज़ किया जाता है। खास करके अगर हम एसिटिक एसिड की कंप्लीट बात करें तो एसिटिक एसिड या एसिड ग्रुप की जितने भी मेडिसिन आते हैं, इस ग्रुप में एसिडिक ग्रुप की जितने भी मेडिसिन आएंगे उनका यूज अक्सर एनीमिया, कमजोरी, ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज किया जाता है, या जो लोग ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा चिमनी के धुआं या किसी कंपनी में धुआं या घर में किसी की आग लग जाने के बाद धुआं लग जाती है, तो वैसे कंडीशंस में आप देखते हैं कि अक्सर व्यक्ति बेहोश हो जाता है। उस कंडीशंस को कंप्लीट रूप से ठीक करने के लिए एसिटिक एसिड बेस्ट मेडिसिन है। अगर किसी के घर में आग लग गया है और धुआँ बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो बेहोश हो जाता है तो अक्सर लोग ऑक्सीजन देते हैं। अगर उस कंडीशन में आप एसिटिक एसिड 30 देते हैं उसको 5-5 मिनट बाद रुक कर, तो 15-20 मिनट में ही पेशेंट काफ़ी हद तक रिकवर कर जाता है। और फ्रेंड्स, यही होम्योपैथ की खूबसूरती है कि यहाँ ज़बरदस्ती कुछ काम नहीं होता है, बहुत आराम से और स्मूथली आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो आगे अगर हम बात करते हैं कि एसिटिक एसिड को किन किन लक्षणों में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है और बहुत ज़्यादा पानी का प्यास पीने के साथ साथ आपके शरीर में सूजन हो रही है तो आपके लिए सबसे पहला बेस्ट मेडिसिन साथ एसिटिक एसिड। आप एसिटिक एसिड को 5-5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार लीजिए, निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे काफ़ी हद तक राहत मिलना शुरू हो जाएगी। आगे मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लीडिंग हो रहा हो, चाहे वो किसी भी आउटलेट से हो, नाक से हो, थ्रोट से हो, गले से खराश आता है, जैसे आदमी खांसा उसके साथ ही ब्लड आ जाता है, पेट में अगर ब्लीडिंग हो रही हो या यूरिन के रास्ते से अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशंस में भी आप एसिटिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। एसिटिक एसिड को 30 पोटेंसी में लेंगे, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर। इसके अलावा एसिटिक एसिड में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा घबराहट होता है, या एनेस्थेटिकल होने के बाद, सर्जरी होने के बाद अगर कभी कभी ब्लीडिंग नहीं रुकता है, सर्जरी होने के बाद भी ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो अक्सर लोग उसमें हेमोमिलिस यूज़ करते हैं। लेकिन आपको हेमोमिलिस के जगह अगर एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं तो आपका सर्जरी भी बहुत जल्दी सूखता है और ब्लड भी धीरे धीरे आना कम हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसे कंडीशंस में सर्जरी के घाव को सुखाने के लिए आप एसिटिक एसिड को 30 CH पोटेंसी में 5-5 बूंद आधा कप पानी में डालकर 2-2 घंटे से बदल बदल के लेंगे, धीरे धीरे आपको एक दिन में ही काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगा। दूसरा, कंडीशंस ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनको ब्लड की कमी होते हुए, यानी एनीमिया के कंडीशंस होते हुए, या अक्सर आप देखेंगे सिकल सेल एनीमिया में भी
शरीर पूरा पीला पड़ जाता है। उस पीलेपन के वजह से शरीर में ब्लड की कमी होती है और कमजोरी होती चली जाती है। वैसे प्रोफाउंड एनेमिया के लिए एसिटिक एसिड बहुत बेस्ट मेडिसिन है। खास करके एसिटिक एसिड वैसे कंडीशंस में सुबह सुबह खाली एक बार लें, धीरे धीरे आपको एनेमिया के कंडीशन से एसिटिक एसिड काफ़ी हद तक मुक्त कर देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सूजन का, ड्रॉप्सिकल कंडीशंस का, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा सूज जाता है, जिनका पूरा हाथ पैर फूल जाता है, और थाइज वाले जो भाग है यानी पैर के हिस्से वाले जो भाग होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा फूल जाते हैं, मोटे महसूस होने लगते हैं। वैसे कंडीशंस के लिए आप एसिटिक एसिड बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। आप एसिटिक एसिड को ले सकते हैं, 30 CH पोटेंसी मिलेंगे, 5-5 बूंद सिर्फ दिन में 2 बार लें, आधा कप पानी में डालकर, धीरे धीरे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें प्यास बहुत कम लगता है, यानी प्यास बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन पेशाब बहुत कम होता है, ऐसे कंडीशंस में एसिटिक एसिड के साथ आप अगर थोड़ा सा त्वचा को ध्यान से देखेंगे तो त्वचा बहुत गर्म होती है, तो अगर आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा है, पेशाब कम हो रहा है, शरीर का चेहरा गर्म रहता है या फीवर जैसा रह रहा है, तो वैसे कंडीशंस में आप एसिटिक एसिड को 30 पोटेंसी में 5-5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार लें, निश्चित रूप से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। आगे बात करते हैं गैस्ट्रिक पोटेंसी में, यानी कि अक्सर लोग प्रेगनेंसी में इरेक्टेशन से पीड़ित होते हैं, डकार ज़्यादा आता है, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ास करके पानी का नौजिया यानी उल्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसे ब्रा या मुँह में पानी भर जाने के कंडीशंस में एसिटिक एसिड सबसे बेस्ट मेडिसिन है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी में हैं या जो भी प्रेगनेंसी के दौरान पानी मुँह में भर जाने की शिकायत हो, या चेहरे में हल्का सा सूजन आने की शिकायत हो, या बार बार इरेक्टेशन डकार आने की शिकायत हो, वैसे कंडीशंस में आप एसिटिक एसिड 30 CH पोटेंसी में 5 बूंद सिर्फ सुबह सुबह खाली पेट लें, निश्चित रूप से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगा, शरीर का सूजन भी कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चेहरे के सूजन के साथ साथ जो मुँह में पानी भर आना, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप पेट के बगल सोते हुए देखते हैं, यानी वो पेट के बगल सोते हैं तो उनको काफ़ी हद तक राहत मिलता है, तो ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे अगर उनसे आप पूछते हैं तो ये कंडीशंस अक्सर बड़े लोगों में भी मिलता है, जैसे वो पीठ के सहारे लेटते हैं तो उनको डिस्पनिया यानी सांस फूलने की बीमारी आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पेट के बगल लेटने से उनको शरीर में नींद बहुत अच्छा आता है, तो वैसे कंडीशंस अगर आपके साथ भी है या प्रॉब्लम्स ऐसा है तो आप 5-5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह सुबह खाली पेट 1 से 1.5 महीने लेंगे, धीरे धीरे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हेक्टिक फीवर में। हेक्टिक फीवर में मैंने आपको बताया था कि पानी का प्यास बहुत ज़्यादा लगना, पेशाब कम लगना और उसके साथ साथ फीवर यानी शरीर का टेम्परेचर बढ़ते जाता है, ये एक एसिटिक एसिड की सबसे बेस्ट सिम्टम्स होती है, और ऐसे कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं। 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सिर्फ दिन में 2-2 घंटे से बदल बदल कर अगर आप लेते हैं तो न सिर्फ फीवर की कंडीशन जाएगी बल्कि आपका त्वचा जो बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है वो काफ़ी हद तक राहत मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एसिटिक एसिड को आप बहुत ज़्यादा पसीना होने के कंडीशंस में भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसके मानसिक कंडीशंस की, यानी एसिटिक एसिड का पेशेंट मेंटली कैसा होता है, तो जाहिर सी बात है एसिटिक एसिड का पेशेंट थोड़ा सा इरिटेबल होता है, और ख़ास करके जो गैस के एरियाज में काम करते हैं या वेपर चारकोल के एरियाज में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है एसिटिक एसिड। ऐसे प्रैक्टिकली में अगर आप हमसे पूछे तो मैं ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ करता हूँ जो चिमनियों पे काम करते हैं या ईंट भट्टों के जगह पे काम करते हैं, या ऐसे लोग जो दिन भर चिमनी पे रहते हैं तो उसके धुआं जो कुछ दूर तक गांव में जाते हैं और धुआं से जो प्रॉब्लम्स होती है, वैसे कंडीशंस के लिए एसिटिक एसिड सबसे बेस्ट मेडिसिन है और इसका प्रभाव पड़ता है। तो धीरे धीरे फ्रेंड्स ये सिम्टम्स हैं एसिटिक एसिड का, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हद तक आपको राहत मिलना शुरू होगी। इसके अलावा आप डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, खास करके क्रॉनिक डायरिया में, जब डायरिया के साथ साथ फीवर हो या डायरिया के साथ साथ सूजन हो, जो खाता है वो खाने से कम बहुत ज़्यादा पानी पीता है, वैसे कंडीशंस में आप एसिटिक एसिड को ले सकते हैं।
एसिटिक एसिड 5 या 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार लेने से काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। और मैं आशा करता हूँ आपको जरूर एसिटिक एसिड का कोई भी सिम्टम मिलेगा तो ज़रूर हेल्प मिलेगा। सिम्टम्स को ध्यान से देखें, होम्योपैथी ये खूबसूरती, अगर आप सिम्टम्स मैच करते हैं 100% आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने एक नॉर्मल जानकारी के लिए आपको बताया है, मैं आशा करता हूँ आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं मुझे आशा है कि आप जो समीप आता है यानी जो सिम्टम्स हैं वो पहले आपको, मैंने हर मेडिसिन के वीडियो में बताया कि ये सिम्टम्स मेडिसिन मिलेगी, तो सारे सिम्टम्स को एक जगह इकट्ठा करिए और उसके बाद आप ध्यान से सिम्टम्स को सुनिए। जो सिम्टम्स ज़्यादा मेडिसिन के करीब हैं आप उस मेडिसिन को लें, निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।